looks okay, teri look okay, tenu dekh dekh ke munde parde ho ke. Slowly, 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 slowly. और तो गाइस कैसा आप लोग, उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे। तो फिर से लेके आ चुका हूं आप लोग ये न्यू कमाल का वीडियो रेटिंग। तो गाइस अगर आप भी कुछ इस तरह का वीडियो रेटिंग करना चाहते थे, वीडियो को अंत तक देखते रहना, आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊं किस तरह से क्या करना है। तो गाइस अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइस आज के वीडियो बनाने के तरीके शुरू करते हैं। तो गाइस आपको इस तरह का वीडियो एडिटिंग करने के लिए आपको अलाइट मोशन का जरूरत पड़ेगा। अगर आपके पास अलाइट मोशन नहीं है तो आप इसको मेरे टेलीग्राम चैनल से इजी डाउनलोड कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर से कर लेना। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं अपने एडिटिंग की तरफ। तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा, प्लस पे क्लिक करना और यहाँ से नाइन एक्सेस सिस्टम और रीसेट सेलेक्ट करने के बाद आपको क्रिएट प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। करने के बाद आपको प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना और यहाँ से क्लिक करके आपको अपने फोल्डर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। मतलब जो भी फोटो यूज़ करना चाहते हो सिंपली आप सिलेक्ट कर लेना। करने के बाद आपको क्या करना है, अपने फोटो को सिलेक्ट करना है, ठीक है। फोटो पे क्लिक करना, फिर आर्ट पे क्लिक करना, फिर कंपोजिशन ये करना, ठीक है। फिर सेव आइकन पे क्लिक करना, करंट फ्रेम इस पीएनजी पे एक्सपोर्ट करना, ठीक है। फिर आपको कुछ देर वेट करना, इस इमेज पर आगे सेव करना, फिर बैक आना है इमेज कहाँ से डिलीट करना, प्लस पे क्लिक करना है मेरे जाना, फिर कोई दूसरा इमेज लेना, ठीक है। तो यहाँ से अपना कोई दूसरा इमेज को सिलेक्ट कर लेना सिंपली। उसके बाद क्या करना है, फिर थ्री पे क्लिक करना, फिर कंपोजिशन ये करना, सेव आइकन पे क्लिक करना, करंट फ्रेम इस पीएनजी पे एक्सपोर्ट करना, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ देर वेट करना और इस इमेज को भी सेम इसी तरह से सेव कर लेना, ठीक है। करने के बाद आपको सिंपली बैक आ जाना है और इस तरह से आपको टोटल जो है दो इमेज को क्रॉप करना है, ठीक है। करने के बाद आपको बैक आना है और आपको प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे चले जाना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दो प्रोजेक्ट का लिंक मिल जाएगा, एक शेक इफेक्ट और एक ब्रिज वाला प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आप इन्हें डाउनलोड कर लेना। तो इसके बाद क्या करना होगा, आपको अपने ब्रिज का प्रोजेक्ट को ओपन करना है, ठीक है। इसको जैसे ओपन करोगे देख सकते हैं कुछ इस तरह से बहुत सारा आपको लेयर वगैरह दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सिंपली सबसे पहले आपको स्टार्टिंग करना है, ठीक है। तो गाइस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है। अगर आप एक भी स्टेप को मिस करोगे तो आपको पूरा एडिटिंग खराब हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। तो वो क्या करना होगा, सिंपली स्टार्टिंग पे आना और यहाँ पर जो इमेज दिख रहा है ना इस पर क्लिक करना, जो इमेज लिखा हुआ इस पर क्लिक करना, ठीक है। कलर पे क्लिक करना, टेक्स्ट पे क्लिक करना और ऊपर से क्लिक करके आपको अलाइट मोशन सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। करने के बाद आपको क्या करना होगा, सिंपली आप कोई भी अपने इमेज को सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करने के बाद आपको प्लस पे क्लिक करना है, ठीक है। करने के बाद देख सकते हो ये इमेज आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर ऐड हो जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ आना स्टार्टिंग पे, जहाँ से जैसे आपका बिल्ड स्टार्ट होता है यहाँ पर आना है। और अब आपको क्या करना होगा, सिंपली इस पर क्लिक करना, ग्रुप पे एडिट ग्रुप पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे लेयर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको ऊपर वाले लेयर में जो है कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आपको सिंपली नीचे आना, इस पर क्लिक करना, करंट पे क्लिक करना, टेक्स्ट पे क्लिक करना और जो आपने दूसरे इमेज को आप जो भी क्रॉप करके रखे होगे उसको यहाँ पर सिंपली ऐड करना है, ठीक है। तो अपना कोई भी इमेज को यूज़ कर सकते हो सिंपली। तो यहाँ से मैं इमेज को ले लेता हूँ, तो अगर कोई दूसरे इमेज को लेना प्लस पे क्लिक करना है, ठीक है। तो आपका इमेज कुछ इस तरह ऐड हो जाएगा, ठीक है, जैसे मैं देख पा रहा हूँ। फिर आपको क्या करना है, आया लेयर में भी जो है सेम उसी इमेज को यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। फिर आपको उसी सेम इमेज को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, जो भी हमने यहाँ पर किया है इस तरह से। फिर आपको आ जाना और यहाँ पर फिर उसी इमेज को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको यहाँ पर जितना भी लेयर मिलेगा उसी सेम इमेज को सिलेक्ट करना, जो भी आप सिलेक्ट करोगे स्टार्टिंग पे लेयर पर, ठीक है। तो सिंपली इस तरह से आपको पूरा एंड तक कर लेना है, ठीक है, इसी इमेज को ऐड। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो गाइस आज के वीडियो में हम टू फोटो वीडियो एडिटिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो काफ़ी आसान तरीके से आप कर सकते हो इजीली और काफ़ी आसान तरीके से पूरा डिटेल में मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप इजी कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस वीडियो का बाद आप थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है, ताकि कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो एडिटिंग में, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करना, इमेज ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है तीन लेयर में भी लास्ट के ऐड कर देना है सेम इमेज को, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से यहाँ पर इमेज को ऐड करना है। तो इस तरह से सिंपली आप सब में ऐड कर देना है, ठीक है। तो हमारा एक लास्ट लेयर और बच गया, यहाँ पर भी हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। सो फाइनली गाइस देख सकते हैं यहाँ तक हमने पूरा ऐड कर दिया अपनी इमेज को, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली बैक आना, बैक आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो इमेज है वो तो ऐड हो गया और आगे जो है ग्रुप था हमारा वो कम्प्लीट हो गया, ठीक है। इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपका एडिटिंग पूरा कम्प्लीट हो जाएगा और आपको कोई अलग से शेक इफेक्ट डाउनलोड करके इफेक्ट को ऐड करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर इफेक्ट को पहले लगा दिया, ठीक है। तो आप इसलिए बीट मैप प्रोजेक्ट को डाउनलोड करना, आपको इजीली यहाँ पर सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। आपको अलग से कुछ ज़्यादा करने का जरूरत नहीं पड़ेगा।
इतना करने के बाद आपको क्या करना होगा, फिर वाला आइकन पे जाना, वीडियो क्वालिटी को सिलेक्ट करना और यहाँ पर एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना, आपका वीडियो पर एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। तो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो एडिटिंग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।